और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। अखिलेश यादव का बयान सामने आया, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा चुनावी चंदे की पोल पूरी तरह खुल गई है, ईडी सीबीआई पहुंची, चंदा मिला, मामला ठंडा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ईडी सीबीआई भेजकर वसूली कर रही, लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर ही किस तरह से अखिलेश यादव हमलावर हुए हैं, सुनिए। तो साफ हो गया है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजिए, बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स घर वापस चली जाएगी। अब तो अखबारों ने भी लिख दिया, सूची लिख दी कि किसके यहां कब ईडी सीबीआई पहुंची, पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ना भर्ती का जवाब है, ना वसूली का जवाब है। ये जो नौकरियां खोई है नौजवानों ने, जो रोजगार खोए हैं नौजवानों ने, जो व्यापार खत्म हो गया, हम उससे सहमत हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन कारोबारियों का कारोबार छिन जाए, भविष्य क्या होगा 10 साल बाद, हमें उस बात की चिंता करनी है। हमें ऑनलाइन डिजिटल इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी का खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो पैसा माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी अगर 10 लाख का भी लोन लेना चाहे तो क्या फ्री इंटरेस्ट के